वाला सब दर्शक लोग के और हम लेके आई बनी रोवा सब खातिर भोजपुरी के गॉसिपिंग भरल खबर जे सब बताएं जेमे बहुत सारा खबर बाटे बहुत सारा स्टार लोग से जुड़ल गॉसिपिंग बाटे। तो सबसे पहले हम जे खबर बतावे जा रहल बनी वो जुड़ल बाटे यश कुमार मिश्रा से। देखिए फिल्म आवे जा रहल बा कल्लू के जेका नाम बाटे आवारा बोलम। तो कल्लू के बने चाहिए आवारा तो यहाँ यश आवारा बन के लाइव आ रहे हाल ही में पगड़ी ओगड़े बंधले एकदम मूछ उछ खड़ा कैले आ लाइव आके वो काफ़ी सारा पोल खोले बड़े अपन छोटा छोट भाई कल्लू के। वो बतैले कि कल्लू हमार तनी शैतान हो कहे कि जब भी हमारा घर में आवेल तो हमेशा वो ये गाना गावेला लगाई देना चोलिया के हुक राजा जी। अब इतना गाना सब जितना गाना गावेले सब कल्लू अभी तक जितना गाना गाइले बड़े सब ना तो ब्लाउज पेटीकोट इंटरनेट आ पता ना का के जुड़ल वो गाना गावेले। तो ऐसा गाना उनका हिट भी होला वैसा ने पहचान मिल गई बैठे। अब इतना शैतान जब यश कुमार मिश्रा ही बता रहे बड़े इंडस्ट्री में रहे वाला लोग जब उनके बारे में जानता तो दूसरा लोग तो जानबे करी कहे कि इतना सारा पब्लिक देखेला लोग। तो दरअसल यश कुमार मिश्रा जब यहाँ वहाँ कल्लू के आवारगी के बात छेड़े तब हमारा बुझाएल कि तो भैया फिल्म के प्रमोशन हटे कल्लू के फिल्म के प्रमोशन यश कुमार मिश्रा भी कर रहे बड़े कहे कि सब कोई से कल्लू के खूब बनेला। अब देखिए खेसारी लाल के साथे काम करे वाले रजनीश मिश्रा के फिल्म में भी कल्लू के काम करे के मौका मिलल मने सब जगह से बना के चले लें कि पता ना भाई कहाँ से काम पड़ जाओ तो सब लोग से मिलला के या चलला के काम बटे तब वही नो बात आगे बढ़ी। आप बात सचों में आगे बढ़ाता उनकर लोकप्रियता दिन पर दिन ऐसा ना बढ़ो ताकि आगे वाला आवे वाला बड़ बड़ सुपरस्टार लोग के फेल करी है। खैर अभी भी कोई से जोर में कम नहीं खे आ अभी जे कल्लू के फिल्म रिलीज होके जाता वो रउआ सब कल देख सकम 25 तारीख के फिल्म रिलीज हो जाए सब सिनेमा घर में। तो फिल्म के कैसन ओपनिंग मिलता कैसन फिल्म रही देखे वाला बात होगी लेकिन फिलहाल हम कल्लू के यश कुमार मिश्रा जब प्रमोट कर ले बढ़े उससे जुड़ा लोगों खास खबर लेके आई बनी। देखिए एक ऐसा समय था जब भोजपुरी के टॉप मोस्ट 3 फेमस हीरो हीरोइन से जुड़ी खबरें ही दर्शक देखना और सुनना पसंद करते थे लेकिन एक आज का समय है कि इंडस्ट्री के सारे कलाकारों के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ 3 स्टारों से ही नहीं चल रही बल्कि कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा इंडस्ट्री में कुछ नया देने की कोशिश की है। इन्हीं में से एक है यश कुमार मिश्रा जो अब तक काफ़ी सारी सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री में दे चुके हैं लेकिन अब यश फिल्मों के अलावा गानों में भी अपना योगदान देने लगे हैं। एक ऐसा ही गाना यश ने हाल ही में सनी लियोन से बिया करादा ए बाबा गाया था जिसे सुनने के बाद सभी उस गाने पर खूब अच्छी और सच्ची प्रतिक्रियाएं दी हैं। सभी के कहे अनुसार इस गाने को बेहद एंटरटेनिंग बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में यश कुमार मिश्रा लाइव आए और अपने छोटे भाई और दर्शकों के चहेते युवा स्टार कल्लू के बड़े ही जिक्र करते नजर आए। यश ने कहा कि मेरा छोटा भाई कल्लू बहुत ही शैतान है जब भी मेरे घर आता है तो गाना गाता है लगा दाना चोलिया में हुक राजा जी। वेल कल्लू की शैतानियों से पर्दा उठाते हुए यश ने ये भी बताया है कि वो अब आवारा बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आवारा बनने में मदद कर रहे हैं उनके छोटे भाई कल्लू। हो ना हो कल्लू के इंडस्ट्री के सारे हीरो से खूब बनती है ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं सभी कल्लू की फिल्म आवारा बलम को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। तो देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि सभी की मेहनत इस फिल्म के रिलीजिंग के बाद कितनी रंग लाती है। अगला जे खबर हम रउआ सब के बतावे जा रहल बानी वो हो यश कुमार मिश्रा से ही जुड़ल बाटे। यश कुमार मिश्रा और एक्टिंग का बार लगा था उनका रुचि खासा गायकियों में बढ़ गई बा तभी नु अपन सब गाना के लेके आवत रहे ले दर्शक लोग का बीच में। हाल ही में बिटिया रानी खातिर एगो लोरी भरल गीत लेके आये रहें अब जो अपन गीत लेके आये बड़े वो तनी हट के बाटे या तनी हट के यही से बाटे कहे कि वो दर्शक लोग के मन के डगमडा देवता अजे भी कपल लोग बा वो गाना तो नहीं है सुनो तो अच्छा बटे काहे कि यश कुमार मिश्रा गाना गैले बड़े कि ब्याह करा दा सनी लियोन से ए बाबा। ये गाना के धुन लोग गीत सुने के मिली लेकिन गाना के बोल लोग गीत से बिल्कुल भी नहीं के मिलत। खैर गाना लोग के पसंद आ रहा बा अगर वो सब सुनल चाहता नहीं यश कुमार मिश्रा के ये नया गाना कि ब्याह करा दा सनी लियोन से तो रउआ सब यश कुमार एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल चैनल पर जाके सुन सकता नहीं जा एक दिन बोल बटे 10,000 लोग शायद सुन ले होगी अगर वो सब जो सुनल चाहता नहीं तो रउआ सब जाके सुन चुका नहीं कहे कि हमरा पता पर वो सबके पसंद आई। तो यश कुमार मिश्रा के एक गीत से जुड़ा ले वो खास खबर हम रउआ सब खातिर लेके आई बनी। देखी भोजपुरी के रियल लवर कपल जिनकी जोड़ी फिल्मों में भी बहुत पसंद की जाती है जिन्हें इंडस्ट्री के सारे स्टार भी बेहद पसंद करते हैं और जो इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स की जुबान पर भी रहते हैं
वो हैं अंजना और यश कुमार, जिनकी छोटी सी बेटी अदिति भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि अंजना और यश ही हैं। अभी तक आप लोग इन दोनों पति पत्नी की कई सारी फिल्में एक साथ और कई सारी फिल्में अलग अलग भी देखते आए हैं। जानकारों के अनुसार अंजना यश के 2.5 साल के रिलेशन के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी रचाई थी, लेकिन हाल ही में यश ने जो गाना गाया है वो बाकी के कपल्स के मन को बदल सकता है, क्योंकि यश ने जो गाना गाया है उसके बोल हैं मैरिज करा दा सनी लियोन से बाबा। इस गाने को यश कुमार ने ही अपनी आवाज़ दी है और अपने ही ऑफिशियल चैनल से इस गाने को रिलीज भी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश का गाना हाल फिलहाल में बहुत ही पसंद किया जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मों के बाद एक्शन से ताबड़तोड़ अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने वाले यश अब गायकी में भी अपने कदम जमा चुके हैं। अगला जे खबर हम रोवा सबके बतावे जा रहे हलवानी उजुड़ल बाटे इंडस्ट्री में हालिया में एंट्री भई लोगो नया हीरोइन से जिनका नाम बाटे ऋचा दीक्षित, जे मेहंदी लगा के रखना से रोवा सबके दिल जितले होखी हन। मेहंदी लगा के रखना टू इन कर अभी कुछ दिन पहले चिंटू का साथे फिल्म रिलीज भई रोलक ह। अब दोबारा ही रोवा सबके देखे के मिली हन फिल्म नचनिया में। उन्हें इनकर फिल्म ऋषभ कश्यप गोलू का साथे भी रोवा सबके आगे आवे वाला टाइम में देखे के मिली। एकरा अलावे भी कई सारा सुपरस्टार निरहुआ के फिल्म में भी इनका काम करे के मौका मिलल बटे, काहेकी इनकर एक्टिंग से सब लोग काफी प्रभावित होता, काफी ज्यादा लोकप्रिय भइल जाता रही इंडस्ट्री में। तो हाल ही में इनको इनकर एगो इंटरव्यू देखे के मिलल बटे जेमे ऋचा बताइले बड़ी कि हमरा के भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे से पहले बहुत डर आ शर्मिंदगी होत रहलक कि हम कैसे इंडस्ट्री में काम करें, बहुत अश्लील होला हीरोइन लोग का साथे, बहुत गंदा होला, बहुत इंटीमेट सीन होला, ऐसा नहीं अपन इंटरव्यू में कहले बड़ी। आ बताइले बड़ी कि जब हमरा के नचनिया के ऑफर मिलल तो हम फिल्म मेकर्स लोग से एकदम पुख्ता तौर पर पुष्टि कर लेनी कि भाई हम इंटीमेट सीन ना देह, वही से इनका के लेवल गई ले फिल्म में। आप बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस कैले बड़ी, रो सबके काले देखे के मिल जाए, लेकिन फिलहाल जे भोजपुरी इंडस्ट्री के इनका के गलत फहमी रोलक है वो दूर हो गई बटे। यही से अपन सब फिल्म में ही बहुत संजिंदगी का साथे सब रोल प्ले करेली, आ बहुत अच्छा एक्ट्रेस बड़ी। तो इनका से जुड़ल एगो खास खबर वो सबके बतावे जा रहा बानी देखी। इन दिनों कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं। बेशक से इन कलाकारों की एंट्री हाल फिलहाल में ही हुई हो, लेकिन अपने आप को सुर्खियों में रखकर इन कलाकारों ने अपना नाम करवा लिया है और इसका फ़ायदा इनको ये हो रहा है कि एक के बाद एक फिल्म मेकर्स की तरफ से इन्हें फिल्में ऑफर होने लगी हैं। एक ऐसी ही एक्ट्रेस सामने आई हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और भोजपुरी में इतनी पॉपुलैरिटी के मामले में आगे बढ़ चुकी हैं कि अब इनके पास फिल्मों की लाइनें लगी हैं। हम बात कर रहे हैं नई अभिनेत्री ऋचा दीक्षित की, जो बीते दिन यानी कि कल नजर आएंगी आपको फिल्म नचनिया में। इस फिल्म में ऋचा बड़े अलग अंदाज में आपको नजर आएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत कम समय में ऋचा के पास कई सारे फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं, जिससे ऋचा काफी खुश भी हैं। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में ऋचा ने बताया कि वो पहले भोजपुरी फिल्मों में आने से बहुत डरा करती थी। जब उन्हें नचनिया फिल्म का ऑफर विशाल दुबे की तरफ से मिला था तो ऋचा ने पहले करने से मना किया, ये सोचकर कि भोजपुरी में हीरोइनों के साथ बहुत अश्लीलता होती है, लेकिन फिल्म मेकर्स ने उन्हें समझाया और बताया कि आपको कोई इंटीमेट सीन नहीं देना है इस फिल्म में, आप कोई भी अश्लील सीन मत करना, पूरे कपड़ों में आपको शूटिंग करनी है। तब ऋचा ने फिल्म में आने के लिए हामी भरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी ऋचा इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म करने से पहले उस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन की खोजबीन कर और सोच समझकर ही किसी फिल्म के लिए हाँ करती हैं। तब बड़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बैठे खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल के 100 फिल्म आवेला और रिलीज ना होके ओकर शूटिंग भी शुरू ना होके लेकिन चर्चा में बन जाला। अब देखिए हाल ही में एगो जानकारी मिलल रहे सूत्र से कि राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग खेसारी शुरू करी हन, जेमे संचिता बनर्जी उनकरा साथे दिखाई दी हन। अभी खाली जानकारी आई बटे लेकिन इतना चर्चा में राजा हिंदुस्तानी हो गए कि बुझाता कल ये रिलीज हो जाए। दर्शकों लोग के भी बहुत उत्साहित रहेला लोग खेसारी के फिल्म देखे खातिर। खैर यहाँ खेसारी का साथे पहला बार संचिता बनर्जी दिखाई दी हन, तो कैसन लागे दोनों लोग के जोड़ी ई देखल दिलचस्प होके वाला बा। आ कैसे दू गो हीरोइन का बीच में खेसारी के फिट बैठाई लोग फिल्म मेकर्स लोग, इहो खातिर धन्यवाद देवे के चाहिए फिल्म मेकर्स लोग के कि दू गो हीरोइन आ एगो हीरो का साथे पता ना कौन कौन कहानी बना देवेला लोग। अब वही तक बहुत सारा स्टार लोग के मौका मिलल बटे एक साथे दू दू गो हीरोइन का साथे काम करे के, लेकिन फिलहाल राजा हिंदुस्तानी के खेसारी राजा बनिहन दू लोग के तई बात हो सकता तनी
खटपट हो सका था तुम लोग में, काजल में और संचिता में, लेकिन फिल्म में हो ही खाई खाली। तो हम यही फिल्म से जुड़ल एगो खास खबर वो सबके बतावे जा रहा हलवानी। देखे आपने बॉलीवुड की काफी सारी फिल्में देखी होंगी जिसे लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म के लिस्ट में काफी सारी पुरानी फिल्में भी शामिल हैं जो आपके दिल के करीब हैं। इन्हीं में से एक फिल्म जरूर होगी जिसका नाम है राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म के जरिए मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने लोगों का दिल जीत लिया था और इस फिल्म में आमिर खान के साथ करिश्मा कपूर की जोड़ी भी बेहद पसंद की गई थी। लेकिन एक बार फिर से दर्शक इस फिल्म को देख पाएंगे जब बनेगी खेसारी लाल की भोजपुरी फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में खेसारी लाल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में खेसारी के साथ काजल राघवानी नजर आएंगी जिन्हें अभी तक खेसारी के साथ हर फिल्म में खूब पसंद किया गया है। और इसके साथ ही काजल राघवानी के अलावा इस फिल्म में संचिता बनर्जी भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। यानी खेसारी के साथ दो हीरोइनें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। हालांकि इस फिल्म की कहानी बॉलीवुड के आमिर खान की फिल्म से मिलती जुलती है या बिल्कुल अलग, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन खेसारी आमिर खान की तरह लोगों को अपनी फिल्म पसंद करवा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ता रहे आज के गॉसिपिंग भरल खबर जी हम रोवा सबके बताइले बनी। अगला बार फिर से होके मुलाकात ऐसा तमाम गॉसिपिंग भरल खबर का साथ है। लेकिन रोवा लोग हैं नहीं रउआ लोग कहीं मत जाए लोग कहे कि एक गॉसिपिंग खाली दो ये लोग के बीच में रहेला आ ऊ बनी जा हम आ रउआ। तो अगला बार फिर होके मुलाकात ऐसा ही गॉसिपिंग भरल खबर का साथ है। लेकिन तब तक खातिर दी ही इजाजत, प्रणाम।